बारिश अब गुनगुनाओ। गाओ फिर से प्यार करा, छोड़ो शिकवे लौटाओ, मिट जाएंगे दिल के दाग। रोशन होगी फिर से रात, आओ जलाए इश्क चराग। देखो कौन क्या है और क्या नहीं, कानून को इससे कोई मतलब नहीं है। कानून लोगों की हिफाजत के लिए है, वो मुजरिमों का सजा दिलवाता है और बेगुनाहों की हिफाजत करता है। जनाब आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, पुलिस डिपार्टमेंट के अख्तियार कहां तक है? सिर्फ गिरफ्तारियों तक, हथकड़ियां लगाने तक, उनसे इंटरोगेशन करने तक, उन्हें अदालत ले जाने तक? हमने जो कस्में खाई थी कि हम जनता के हकूक की हिफाजत करेंगे, उन कस्मों का क्या हुआ? हर बात में हमें आगे रखा गया, हमने मुजरिमों की तलाश की, हमने मुजरिमों को गिरफ्तार किया, और अब इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया मजीद खान। कुछ नहीं बदला सर, बदला सिर्फ सिस्टम है, बाकी कुछ नहीं बदला। लोग नहीं बदले, तौर तरीके नहीं बदले, यहां तक के हमारे जज्बात नहीं बदले, फिर ये सिस्टम क्यों बदला? देखिए जनाब, पिछले 10 सालों में सिर्फ एक चीज हुई है, मुकाबला, कंपटीशन, हमारे अपने ही रैंक में एक अजीब सा नशा, अपनी काबिलियत को प्रूव करने का कि मैं ही सबसे अच्छा अफसर हूं। हमारे कान बहरे हो गए सर ये सुन सुनकर कि मेरा बेटा कहां है, मेरा भाई कहां गायब हो गया। हमारे पास कोई जवाब होता जो हम जनता को दे पाते, हम जो सरकार और जनता के बीच पुल का काम करते हैं। मैं बहुत थक गया हूं इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते। अजीत खान, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझता हूं, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह बेबस और लाचार। हमसे ज्यादा बेबस और लाचार तो हमारी जनता है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या यही कानून है? क्या इतनी ही औकात रह गई है कानून के एक सिपाही की? मैं कब तक लोगों से मुंह छिपाऊंगा, कब तक मैं हर एक से भागता रहूंगा? जनाब मजीद खान, ये बोझ सिर्फ तुम्हारे जमीर पर नहीं है, मेरे जमीर पर भी है। मैं ये वादा करता हूं मैं तुम्हारी इस बात का जवाब बहुत जल्द दूंगा, चाहे मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। अजीत खान, मैं भी इंसान हूं, मेरे भी माँ बाप हैं, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी भी बहनें और उनके घरवाले हैं। शुक्रिया जनाब। अजीत, तुम बहुत अच्छा बोलती हो, वो शायद इसलिए कि तुम जो भी कहते हो दिल से कहते हो और करते हो। मजीद, मुझे बहुत फक्र है कि तुम्हारे जैसा सिपाही मेरे डिपार्टमेंट में है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ओए, तू इतना नाराज क्यों है? तू दरअसल अपने आप से नाराज है, नहीं तो तू ऐसे जंगलों में अकेला अकेला नहीं घूमता, और तेरे चेहरे पे भी मुस्कान होती, तेरी आंखों में जिंदगी की चमक होती। अब मुझे बता कि तू नाराज क्यों है, कि तू नाराज क्यों है, तू नाराज क्यों है? कह दिया ना, मैं किसी से नाराज नहीं हूं, किसी से नाराज नहीं हूं, मैं किसी से भी नहीं। तो साले पहले आधा मरा हुआ है। एक मशवरा देता हूं, सरदार का मशवरा है, ध्यान से सुनियो, आज के बाद कभी मेरे मुंह मत लगियो। आज तुझे ये बात समझ में आई कादर, हाँ? किसी को बिला वजह तंग करने से कोई फायदा नहीं होता। बहुत अच्छा है,
आज ये सवाल तेरे मन में होगा। कादर, कभी तेरा मन करे तो बड़ा भाई समझ के मुझसे बात कर लेना। हाँ, मैं रोज यहां से गुजरता हूं। कादर, एक बात बता, इतना सब कुछ करने के बाद तुझे क्या मिला? 25-30 हजार रुपए। तेरी मेरी इतनी कीमत है? यही हमारा मकसद है? नहीं कादर, ये हमारा मकसद नहीं था। ये तो दुश्मनों की चाल हुई, उनकी तिजारत थी। सब कुछ गवाया अपना, क्यों? आखिर क्यों? पीर फकीरों की जिन दुआओं के लिए हम तरसते थे, उनके कहर जलाल का खौफ किए बिना हमने अपना सब कुछ उजाड़ दिया। क्यों? हो सकता है ये तेरे वालदेन की दुआओं का असर हो। कभी किसी दरगाह मजार पर जाकर उन्होंने तेरी सलामती की भीख मांगी हो, किसी अधचली लकड़ी के जाली में लटका हुआ मन्नत का धागा हो सकता आज तक तेरी हिफाजत कर रहा हो। कादर, मेरे सलाम मांग जा, माफी मांग उन लोगों से, उन सब लोगों से माफी मांग। कादर, कभी तेरा मन करे तो बड़ा भाई समझ के मुझसे बात कर लेना। हाँ, मैं रोज यहां से गुजरता हूं, अपने दिल का गुबार निकाल लेना। और एक बात और, ओए मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। पीर कासिम की ताकत अभी खत्म नहीं हुई, और जब तक मेरा ख्वाब बाकी तब तक मेरी ताकत बाकी। और मैं चाहूं तो मुझे बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत ही ना पड़े। यहां मौजूद है आदमी काम करने वाले, और जब तक मेरा ख्वाब बाकी तब तक मेरी ताकत बाकी। और जब तक मेरा ख्वाब बाकी तब तक मेरी ताकत बाकी। और जब तक मेरा ख्वाब बाकी तब तक मेरी ताकत बाकी। और जब तक मेरा ख्वाब बाकी तब तक मेरी ताकत बाकी। ये तो दुश्मनों की चाल हुई, ये हमारा मकसद नहीं था। मीर कासिम की ताकत खत्म नहीं हुई, हमने अपना सब कुछ उजाड़ दिया। क्यों? और जब तक मेरा ख्वाब बाकी तब तक मेरी ताकत बाकी। माफी मांग उन लोगों से, उन सब लोगों से माफी मांग। कभी तेरा मन करे तो बड़ा भाई समझ के मुझसे बात कर लेना। हाँ, मैं रोज यहां से गुजरता हूं, और मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। उन सब लोगों से माफी मांग। कादर, कभी तेरा मन करे तो बड़ा भाई समझ के मुझसे बात कर लेना। हाँ, और मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। तू तो साले पहले ही आधा मरा हुआ है। एक मशवरा देता हूं, सरदार का मशवरा है, ध्यान से सुनियो। कभी तेरा मन करे तो बड़ा भाई समझ के मुझसे बात कर लेना। कादरे, बात बता, तेरी मेरी इतनी कीमत है? तेरी मेरी इतनी कीमत है? माफी मांग उन लोगों से, उन सब लोगों से माफी मांग। बस बस ये मैंने क्या किया, क्या किया मैंने? अपनी जवानी, अपनी जिंदगी, सब कुछ तबाह कर दिया। किस काम में लगा रहा मैं? ये मैं हूं? ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हो सकता, नहीं, मैं नहीं हूं। कादरा तो क्यों आ रही था? ये कादरा नहीं है। जलाए
जान उतारे अपने दूल्हे राजा की, दूल्हा बनाए सास की दाढ़ी, ससुरे की मूछ काट के अरे नजीरा, अरे दांत क्या दिखा रहा है, सलाम कर रजा खा, तेरे ससुर हो गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक तो बांध दिया रजाक साहब ने। और बांध दिया का क्या मतलब? अरे बांध दिया का मतलब एक जवान को काबू कर लिया रजाक साहब ने। अरे कस के बांध लिया? अरे बांध लिया मतलब अरे घोड़ा है जो बांध लिया। बकवास नहीं कर रहा है तो? नूर मोहम्मद बस आज खुशी का, आप बोलते हो तो चुप हो जाता हूँ। हाँ हाँ, और आज मैं भी बड़ा खुश हूँ रजाक साहब, बड़े दिनों के बाद एक खुशी का मौका आया है, आज कुछ होना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप हुक्म कीजिए ना, आखिर आप लड़के वाले हैं। अरे हुक्म क्या जनाब, एक छोटी सी अर्ज है बस, हम तो लड़के वाले हैं, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? तो ठीक है आप हुक्म कीजिए ना। अरे भाई कुछ काना शाना शक्री और क्या। अरे वो तो हो ही जाएगा, नजीर की मंगनी है, गाना बजाना तो हो गया, चलो भाई लड़के वालों लड़की वालों की तरफ। जलाए नजर उतार अपनी रानी बिटिया की। आइए आइए राजा, आइए 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 भाभी, और क्यों आइए सर, राजी आइए। नजीर यहाँ क्या कर रहा है? अरे यहाँ तेरा कोई काम नहीं। चलिए अब रसम वसम शुरू कीजिए। तू ही दे रही है? नहीं तुम दे रही। जी आप तो शर्मा रहे हैं। अरे वाह, ये तो दो अंगूठियां हैं। अरे नजीर के वालिद बने हैं, आज से जमीर के वालिद आप दोनों। मुबारक हो, मुबारक हो। रजाक की बेटी को देखा आपने? नसीमा को? हाँ देखा उसे। हाँ देखा, पर ऐसा क्यों पूछ रही हो? बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, शादी के लायक हो गई। अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आपको कैसी लगती है वो लड़की? अच्छी प्यारी बच्ची है। तो बात करूं? कौन सी बात? अरे अपने मुनीर अहमद के लिए, जवान हो गया है, शादी के लायक हो गया है, कमाने लगा है, जिम्मेदार हो गया है, और फिर नसीमा की और मुनीर की जोड़ी बहुत पगेगी, है ना? हाँ, वो तो है। तो हम दोनों कल ही चलकर बात करते हैं। अभी बात करने का वक्त नहीं है साजे। क्यों क्यों वक्त नहीं है बात करने का? मुनीर किसी भी वक्त आ जाएगा, मैं तो उसके आने से पहले सब तैयारियां कर लेना चाहती हूँ। कल ही जाऊंगी, फातिमा से बात करूं, मुझे पता है वो ना नहीं करेगी, उन्हें मालूम है मुनीर कितना अच्छा लड़का है, और फिर मेरे मुनीर में कोई ऐब भी तो नहीं है। इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मैं तो जरूर बात करूंगी। नहीं साजे, मेरी बात गौर से सुनो, मुनीर अहमद शहर में रहता है और शहर के लोगों के तौर तरीके अलग होते हैं। क्यों, शहर में बच्चे शादियां नहीं करते? करते हैं, शहर के बच्चे भी शादियां करते हैं, पर मुनीर अहमद काफी वक्त से शहर में है ना, क्या पता बदल गया हो। नहीं, मेरा मुनीर अहमद नहीं बदल सकते। तुम्हें उसके खतों से लगा कि वो बदल गया?
अरे वो तो अपने माँ बाप की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अगर अपने माँ बाप की खुशियों के खातिर कुछ भी कर सकता है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि उसकी खुशी का ख्याल करें। हमें भी तो ये पता करना चाहिए ना कि उसे ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं, उसे ये लड़की पसंद है या नहीं। हाँ ये तुमने ठीक कहा, तुम मुनीर को खत लिख के पूछो। ठीक है, मैं उससे खत लिख कर पूछूंगा। रात काफी हो चुकी है, अब सो जाओ। अब क्या करें, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मगर मैं भी तो क्या करता, मुझसे खाला का दुख बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने सोचा था धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर अब तो बात हाथ से निकल रही है। इसमें मौसी का भी क्या कसूर, वो एक माँ है और हर माँ चाहती है कि उसकी औलाद का भला हो। कौन सी औलाद और किसका भला, मर चुका है मुनीर। मैं जानता हूँ मुनीर जिंदा नहीं है, जिंदा होता तो वो कब का वापस आ चुका होता। मर चुका है मुनीर, ये मेरी ही गलती है कि मैं साजिदा को झूठी तसल्ली देता रहा कि मुनीर आएगा मुनीर आएगा, मुनीर अब कभी नहीं आएगा। मैं सोचता हूँ साजिदा को ये बता दूं कि मुनीर अब कभी नहीं आएगा। नहीं चाचा, भगवान के लिए ऐसा मत करना। तो मैं क्या करूँ बेटे। चाचा चाचा, मुनीर से लापता है, आपको तो यही मालूम है ना कि वो बस में सवार हुआ था और फिर उसके बाद वापस कभी लौट कर ही नहीं आया। आएगा भी नहीं, ये भी मैं जानता हूँ। चाचा आपका दिल ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उसे कुछ हो गया है, इसलिए आप खुद को और मौसी को बार बार यही तसल्ली देते रहते है ना। बेटे तसल्ली और सच्चाई पे बहुत फर्क होता है। लेकिन आपका दिल क्या कहता है। दिल तो बहुत कुछ कहता है बेटे, पर जरूरी तो नहीं कि दिल की आस पर यकीन करते करते सारी जिंदगी पड़ते रहे। मैंने तो अपने सीने पर पत्थर रख लिया है, मैं तो इस बात को बर्दाश्त कर लूं, पर साजिदा इसे बर्दाश्त नहीं कर रही। मर जाएगी, ठीक है, उसे अगर इसी तरह मरना है तो मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगा। नहीं चाचा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे साजिदा मौसी का दिल टूटे, आपको हमारी कसम। बेटा कसम क्यों दिलाते हो, ये बताओ कि मैं क्या करूं। इस दिन और सब्र करते। सब्र ही तो कर रहा हूं, पर उसके बाद क्या होगा। नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। Hey, परवेज तुझे क्या हो गया। कुछ नहीं, लेकिन अब क्या होगा। अरे अब होगा ये, मुनीर अहमद कहाँ है उसे ढूंढा जाए। अरे रहमान बेटे, आ आ आ। अस्सलाम वालेकुम रजाक साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है, ठीक तो हो ना। जी ठीक हूँ। और सुल्तान कैसा है। वो भी अच्छे हैं। और तुम्हारी भाभी वो कैसी है। वो तो बहुत अच्छी है, सब आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा, भाईजान ने आपके लिए मुर्गी भेजी। अरे रहमान तुम लोग बहुत शर्मिंदा कर देते हो, जब भी आते हो कुछ ना कुछ लेकर आते। पिछली बार हमने तुम्हारी कितनी राह देखी, आ जाते तो अच्छा रहता, इसी बहाने मुलाकात हो जाती। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, इस बार तुम लोग जरूर आना, बहुत जल्द मेरी बेटी की शादी हो रही है। अच्छा जरूर आएंगे, कब हो रही नसीमा की शादी। नसीमा की नहीं, वो मेरी साले की लड़की है ना हमीदा, उसकी शादी हो रही है। खुदा का शुक्र, बड़ा अच्छा लड़का मिला। अच्छा कौन सा लड़का है। नजीर अहमद, वो सामने दुकान है उसकी, हजामत बनाता है। खैर तुम लोग जरूर आना। जरूर आएंगे। अरे लेकिन जा कहाँ रहे हो। एक काम याद आ गया है। हाँ इसे तो छोड़ जाओ, अच्छा चाय तो पी लो। नहीं
कोई मेरा इंतजार कर रहा है। अच्छा, फिर आऊंगा। असली लड़का पता नहीं से अचानक क्या हो गया। बुलबुल बाग के बुलबुल, खुदा हाफिज। अलविदा मेरे बुलबुल, अलविदा, अलविदा मेरे बुलबुल। माँ, ईद आ रही है, हमारे कपड़े कब सिलेंगे? माँ, ओ माँ, तू पढ़ाई कर रहा है या कपड़ों के बारे में सोच रहा है? अपना ध्यान पढ़ाई में लगा, अपना सबक याद कर, समझा? मैंने तो अपने सारे सबक याद कर लिए। तो कुछ और कर। सब हो गया, अब क्या करूं? तो जा, जाके एक रस्सी ला और मेरे गले में डालकर फांसी लगा दे मुझे। जरा भी अकल नहीं है तुम लोगों को, किस बात की ईद? न जाने बेचारा रशीद किस हाल में होगा, और तुम सबको ईद की पड़ी है। जाओ, जाकर बाहर खेलो। जाते हो या नहीं? हजरत, हजरत, क्या हो गया तुझे? बच्चों पर क्यों बिगड़ रही हो? जाओ बेटा, जाओ जाकर खेलो। क्या बात है हजरत? अब तुमसे क्या छुपा हुआ है दैद? रशीद की कोई खबर नहीं। सूफी साहब हर वक्त अंदर ही अंदर घूटते रहते हैं। खुदा ना करे उन्हें कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा उन्हें पगली, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। अरे भगवान ने उसे सब्र दिया है, बर्दाश्त करने की ताकत है उसमें। बर्दाश्त में सब का क्यों खो बैठी है? और फिर ये कौन सा तरीका हुआ कि सारा गुस्सा बच्चों पर निकालो? क्यों, किस लिए? बच्चे ईद के कपड़े के लिए जिद कर रहे थे। अरे ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। किस बात की खुशी दैद? पागल बलबन हाजरा, अरे अपनी जान को हलकान मत कर। देखना ये ईद कितनी मुबारक होगी, इससे अच्छी ईद तूने पहले कभी नहीं देखी होगी। खुदा पर भरोसा, ये बच्चों को डांटना, उन पर बिगड़ना सब बंद कर ले और अपने शोहर का ख्याल रख। अरे जहां मायूसियत होती है वहां तो खुदा बरकत भी नहीं देता। देख, सब ठीक हो जाएगा, मैं कहती हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। प्यारे तावीज, जब से तू मेरे पास आया है मेरी तो जिंदगी बदल गई है। जिस काम में हाथ डालता हूं वही काम हो जाता है, बल्कि जिस काम में हाथ नहीं डालता हूं वो काम भी हो जाता है। बुलबुल बाग वाले मुझसे प्यार करने लगे, कारोबार अच्छा चल रहा है, खुद ब खुद मेरी शादी का जिक्र करने लगे। बशीर खुद ब खुद आके हमीदा को मेरी झोली में डाल गया। सरदार महबूब मेरे बाप बन गए, मेरी मंगनी हो गई। मैं कितना खुशकिस्मत हूं यकीन नहीं आता। क्या वाकई में ये फीता इतना करामाती हो सकता है? ओह, ए फीते वाले तावीज, तू वाकई में कमाल की चीज है। तुझे जरूर किसी पीर ने बनाया होगा। बस तू मेरा साथ देते रहना। लौट के आओ।
घर गया था। फिर वो नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। मिलके ईद मनाओ,